दोस्तों सर्दियों के मौसम में रजाई, गद्दे, कंबल इन सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी फाइबर वाली रजाई किस तरीके से बनाई जाती है और वो फाइबर किस तरीके से शीट तैयार की जाती है वो आपने नहीं देखी होगी। तो हमारे साथ आकाश भाई जो कि हमें जानकारी देंगे किस तरीके से ये मशीनें काम करती हैं और ये फाइबर किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे पास ऐसा है कि बाहर से 15 से 20 तो उसमें रॉ मटेरियल आता है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये रॉ मटेरियल है? हाँ जी, सबसे पहले आते हैं हम इसको लेके टीचर पर। ये जो मशीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें फट्टियाँ लगी हुई हैं, कीले लगी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन कीलों की सहायता से इसकी कटिंग होती है। तो यहाँ पे कितना ये मतलब मोटा सा है, पतला सा है, इसको अंदर से जाता है ये और इसको रोल करता है, बिल्कुल मिला देता है, है ना, मिक्स कर देता है। इस साइड से ये लेयर निकल के आई, ये लेयर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कैसे बेल्टों के द्वारा ये जा रही हैं और उसके बाद ये इस मशीन में अंदर जाती हैं। अंदर की साइड यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखेगा ये अपना बैरिंग लगे हुए हैं, लेयर्स लगी हुई हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आप वहाँ पर देखेगा किस तरीके से ये एक एक लेयर घूम रही है और अपना काम कर रही है। वहाँ से पकने के बाद ये इस चीज पे आ रहा है और ये बिल्कुल टाइट होकर आ रहा है, ये अगर हम खींच रहे हैं तो टूट नहीं रहा है ना, अभी ये ड्राई में बन रहे हैं। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट आकाश भाई। हाँ जी। उसके बाद इस साइड में आप देख सकते हैं ये रोल रखे हुए हैं, ये भाई हमारा पैकिंग कर रहा है ना। ये पैकिंग होएगा, इस पे ढक्कन लगाए जाएंगे। तो किशन भाई सबसे पहला स्टेप रजाई बनने का यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी। ये क्या चीज है ये मटेरियल? फाइबर। इसे फाइबर बोलते हैं। फाइबर बोलते हैं। फाइबर को आप ये इस पे बिछा लेते हैं मेज पे, टेबल पे। अच्छा, ये इन्होंने अपना बिछा लिया और इसके बाद क्या अभी ये कटिंग वगैरह शुरू करेंगे? कटिंग शुरू करेंगे। तो इसको पहले सारे को पहले खोलेंगे क्या? खोलेंगे पहले। तो किशन भाई यहाँ पर फाइबर बिछ गया अपना टेबल पे और इसके ऊपर ये क्या चीज है? ये हमारे सेरपा बोलते हैं इसको। ओके, ये क्या चीज है भाई साहब? इसको फ्लैनो बोलते हैं हम। ये फ्लैनो है? हाँ जी। ओके, तो ये कितनी परत होती है, मतलब तीन होती है या और भी एक लेयर आएगी? एक आधी लास्ट लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस साइज के अकॉर्डिंग इसको काट लिया जाता है। ये लगभग क्या साइज होगा मेरे भाई? 90x200। वहां से कटिंग होने के बाद अगला स्टेप ये आता है। ये आता है। ये क्या हो रहा है? सिलाई हो रही है साइडों की? हाँ, साइडों की सिलाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस साइड में जो भाई हमारे मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत सा फूल बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से करते रहिए आप, करते रहिए काम। ये डिजाइन आप खुद बनाते हैं अपने हाथों से? मशीन के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये अपना डिजाइन बनाया जा रहा है और इसी तरीके से इस साइड में यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये वाला डिजाइन भी भाई साहब ने अपने हाथों से अपने इस मशीन को चला के बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग फूलों के हिस्से वाले डिजाइन को बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला फूल भाई साहब बना रहे थे, बीच वाला कोई अलग बना रहा था, जोड़ जाड़ के कुछ इस तरीके का मटेरियल हमें नजर आता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये फाइनल यहाँ पे आ जाती है। अच्छा किशन भाई, इस वाले एरिया में क्या काम हो रहा है? यहाँ पर मशीनें देख रहा हूँ, इसमें कूल्डिंग होती है हमारी। यहाँ पे जैसे इन्होंने ये कब्जों में फंसा रखे हैं, ये क्या चीज है? ये प्रॉपर इसलिए होता है कि सिलाई प्रॉपर आए। और अब ये वाला जो है इस पे जा रहा है, तैयार होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा नजदीक की साइड अगर जाकर देखेंगे तो ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से मशीन किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, तो किशन भाई ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है ना? बिल्कुल ऑटोमेटिक। तो डिजाइन ये जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले से बना दिया जाता है, ये कंप्यूटर पे बना दिया जाता है ना जो डिजाइन है, और फिल करके ये ऑटोमेटिक अपना आप सिलाई करके चली जाएगी। यहाँ पर इस साइड में भी सेम मशीन यही काम करती है। अच्छा भाई, अब ये बंद क्यों कर दिया? कंप्लीट होगी क्या? अब इसको उतारोगे? ठीक है ठीक है। और ये नया फ्रेम यहाँ पर लगा दिया गया है, नया डिजाइन यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, और ये भाई हमारे साफा बांध रखा है, बहुत ही शानदार। क्या नाम है मेरे भाई का? अरशद। बहुत बढ़िया अरशद भाई। और उस मशीन से काम होने के बाद यहाँ पर दोबारा स्टिचिंग के लिए लाया जाता है। यहाँ क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो साइडों वाली आप कोटिंग देख रहे हैं किशन भाई, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोन बोलते हैं। बोन, बोन बोला जाता है इनकी भाषा में इसको। उससे क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है जो बाहर निकला हुआ है ये नहीं दिखता। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? रूपल कुमार। रूपल कुमार, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है यार, रूपल। वाओ, रजनीगंधा खाते हो? नहीं। तो क्या महक तो आ रही है? उसकी आ रही है, चैनी खैनी। चैनी खैनी मत खाया करो, हानिकारक है सेहत के लिए। यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब यह है काम होने के बाद ये इसको एक साइड में रख देते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल जी। और ये साफा बांधने का इनको शौक है, क्यों भाई? हाँ, बढ़िया बढ़िया। और फिर इसके बाद फाइनल पैक कर दिया जाता है। पैक कर दिया जाता है। अगर इस साइड में आप मैं दिखाने की कोशिश करूं दोस्तों, आप देखेंगे तो वहां पर पूरा ढेर लगा हुआ है। ये कहने का मतलब है कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। पैकिंग यहाँ पर कर दी जाती है बांध के, और उसके बाद आगे कहीं इनको माल भेजना होता है तो ऐसे बोरों में बांध के ये अपने माल को सप्लाई कर देते हैं, बांध देते हैं। स्टिकर इन्होंने अपनी कंपनी का ये लगा ही रखा है, टिटूज। यदि पानीपत में है दोस्तों, यदि आपको चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और
ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से रजाई बनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी मैन्युफैक्चरिंग की, किस तरीके से रजाइयों के अंदर भरे जाने वाली जो फैब्रिक होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।